हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्टेंट्स के बारे में। तो कंस्टेंट्स क्या होता है? बेसिकली हमारी एक वे कंडीशन होती है, ठीक है। कंस्टेंट्स लाइक है कंडीशन, या फिर हम इसको रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितने प्रकार के कंस्टेंट्स होते हैं? इसमें सब प्रकार के। तो फर्स्ट होता है हमारे पास यूनिक, यानी कि हमारे जो टेबल है उसमें जो भी यूनिक वैल्यू है वो, ठीक है, जो भी यूनिक वैल्यू वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कंस्टेंट्स। यानी कि हम अगर जैसे कि ईमेल, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो हमारी ईमेल होती है वो हमें बोलता है एंट्री और ईमेल। तो वहाँ पर जो हम ईमेल डालते हैं वो क्या होती है? यूनिक, ठीक है। अगर हम किसी से रिलेटेड अगर हम वहाँ पर ईमेल डालते हैं तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह यूनिक नहीं है। अगर हम बात करें नॉर्मल, नॉर्मल बेसिकली क्या होता है? हमारा कैन नॉट लीव एम्प्टी, यानी कि ऐसे फील्ड जिनको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। और वो कौन से फील्ड होते हैं? जैसे हमारा नाम का फील्ड है, ठीक है। नेम को फील्ड को हम कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी की होती है कि क्या होता है? हमारे पास यूनिक भी होना चाहिए और नॉर्मल भी होना चाहिए, यानी कि ये दोनों होने चाहिए, तब क्या होता है हमारा प्राइमरी की, ठीक है। अब बात करते हैं चेक। चेक का यूज करते हैं हम इस कंडीशन पर, यानी कि हमने बोल दिया कि जो हमारी एज है वो क्या होनी चाहिए? 18 से ऊपर ही होनी चाहिए। 18 भी नहीं होनी चाहिए, 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर मान लो किसी ने एज डाल दिया हमारे पास -10, ठीक है, तो -10 तो पॉसिबल ही नहीं है। सही ना बात? अगर हम किसी ने हमारी किसी ने एज डाल दी, जैसे 0 डाल दी, तो वो पॉसिबल नहीं। तो हमारी जो एज है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? हमारी 0, ठीक है। जो हमारी एज है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? टेक रेफरेंस फ्रॉम अनदर टेबल, जो कि हमने पढ़ चुके हैं सब कुछ पहले, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्टेंट्स की। तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि जब भी कोई यूजर होता है वो वैल्यू फिल नहीं करता है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वह वहाँ पर फिल रहती है पहले से। या तो यूजर डाल देता है, नहीं डालता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो वहाँ पर सेट हो जाती है। जैसे नल, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं? नल को यूज करते हैं, ठीक है। नल नल ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये होता है हमारे कंस्टेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।